सुधारा है। नमाज के करीब न जाना अगर जर्रा बराबर नशे का असर हो। अब जिसको नमाज का पता हो कि नमाज वाजिब औजब है, वो शराब पी नहीं सकता, इसलिए कि कोई टाइम नमाज का आजाद ना होगा। ऐसा कोई पांचों में से कोई एक टाइम जिसमें वो नशे की हालत में जरूर होगा, अगर उसने शराब पी तो तौबा करना उसे छोड़नी पड़ेगी। इस्लाम ने शराब छुड़ाई है इस तरह, स्लेवरी का कानून इस्लाम ने खत्म किया, आज तक गुलाम गुलाम आज कहीं गुलाम है, दुनिया में ढूंढ के दिखाओ कहां गुलाम है। इस्लाम अगर कहता गुलामों को आजाद कर दो तो माशरे में फसाद फैल जाता, भाई गुलाम कत्लो गारत कर देते, इतने गुलामों को आजाद किया जाता कहीं उनकी जगह क्या होती, वो भी तबाह हो जाते, मालिकान भी तबाह हो जाते। इस्लाम को जो दुनिया इंसानियत का बेस्ट रिलीजन गोरे रिसर्चर ने करार दिया, उसकी वजह यह है कि हकीमाना मजहब है, हिकमत पर मबनी है। कहा रोजा छूट जाए गुलाम आजाद करो, झूठी कसम खाओ गुलाम आजाद करो, बच्चा पैदा हो गुलाम आजाद करो, खुशी की खबर मिले गुलाम आजाद करो, और क्या तो कफारा देना है गुलाम आजाद करो। रफ्ता 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 ग्रेजुअली इस्लाम ने स्लेवरी को गैर महसूस तरीके से ऐसे खत्म किया कि आका व बंदा की तमीज मिटा दी, और गुलामी की जंजीरों से इंसानियत को ऐसे लतीफ अंदाज में करीमाना अंदाज में आजाद किया कि सबको सिर्फ बेहतर में पिरो के बराबरी की सतह पर लाकर खड़ा कर दिया, और माशरे में कोई हर्च मर्च नहीं हुआ। और किया इसी तरह से ये मसला है मर्द की चार शादी वाला, उस जमाने में एक एक मर्द की 250 शादियां, शादियां क्या थी, औरत की तस्लीम थी, औरत को एक्सप्लॉइट किया जाता था। जैसे अब भी नारा आजादी है निस्वा कर लगाने वालों, जाने तकलीफ को तकलीफ बनाने वालों, रक्स गांवों में अपनी शराफत को लुटाने वालों, होश में आओ हमें होश में लाने वालों, ये नुमाइश नहीं जिनसे सरे बाजार नहीं, औरत नुमाइश नहीं। उस जमाने में उसको मफलूस किया जाता था हरम सरा के अंदर, आज हमारे से अंसारे उमूमी में लाकर उससे रक्स और डांस और रक्स सुरूप की महफिलें सजाकर उसे भूमि निगाहों के तलसुस का सामान बना दिया गया। इस्लाम ने औरत को क्या इज्जत अदा की? उस वक्त अगर कहते कि तुम इन सब औरतों से शादी नहीं कर सकते तो हार्ट अटैक से मरती मर जाती, कोई होता ही ना, तो मर्दों को बचाना भी तो मतलब था। इसलिए इस्लाम ने हुक्म दिया कि तुम सुलासा पर गोबा मसना दो दो, सुलासा तीन दिन गोबा चार चार, इससे ज्यादा नहीं, चार से ज्यादा एक वक्त में तुम बीवियां नहीं रख सकते। अब अकल के अंधों से ये पूछिए कि इस्लाम ने क्या कहा था वाजिब है चार बीवियां रखो? कहा कि तुम चाहो तो चार से ज्यादा नहीं रख सकते। और उसके बाद अगला ही कुरान का हिस्सा, फइन खिफ्तुम अल्ला तअदिलु फवाहिद, और अगर तुम्हें खौफ हो, यकीन नहीं खौफ हो, इन अगर खिफ्तुम तुम्हें खौफ हो अल्ला के नहीं तअदिलु, तुम उनके दरमियान इंसाफ नहीं कर सकते तो फवाहिद, ये नहीं कि उस बेचारी को घर में ले आओ, एक उधर तड़प रही है एक इधर तड़प रही है तो तुम कहो हो मैं तो इंसाफ नहीं कर सका। इन खिफ्तुम, अगर तुम्हें खौफ है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो फवाहिदा, फिर एक ही रखो। और फिर कहता सूरह मुबारक निसा की आयत है, मर्द मुझे माफ कर दे, आयत नंबर 129 है, ये आयत नंबर 3 फैसला खुद करें, और अगली आयत है 129। कुछ आयतों के बाद खालिक भी मर्दों के लिहाज करता है उनकी तबीयत सेहत का, इसलिए फौरन अगली आयत नहीं फरमा दी बल्कि दरमियान में 26 आयतों का फासला रख दिया। कहता है अलम तस्तदीरु अन तअदिलु बैनन निसा, और हरगिज हरगिज तुमने इतनी हिम्मत ही नहीं कि औरतों के दरमियान इंसाफ कर सको। तो नतीजा आप खुद निकाल ले, अब मुझ पर कोई फतवा ना लगाए, मैं तो जाहिल खुद हूं, मुझे तो खुद जरूरत है कोई कुरान समझाए। आप खुद अंदाजा करें, तराजिम पढ़ें, आयत नंबर 3 माता वाला कुमिल फान के हुक्म
उलमा जो शिया हुए हैं इस मसले तलाक को पढ़ के, मैंने अर्ज किया था कहीं किसी दूसरे मेंबर से कि वहाँ लंदन में एक बहुत बड़ा सेंटर है ईरानियों अरब्स का, उसमें बड़े अच्छे स्कॉलर्स आते हैं, उनके बड़े डिसिप्लिन और बड़े उमदा ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स होते हैं लंदन में भी दूसरे ममालिक में भी ईरानियों के अरब्स के, तो उनके वहाँ एक आदमी मिस्र से आए तो बहुत अच्छे बहुत पावरफुल स्पीकर थे। हमने पूछा कि इराक से क्यों, क्योंकि इराक तो मरकज है और ज़ाइमिया है, वहाँ से क्यों तशरीफ नहीं लाए अरब जबान अरब, क्योंकि वहाँ पे अरब्स की मजालिस होती हैं, ईरानियों की होती हैं, अफगानियों की होती हैं, टर्किश की होती हैं, बीच में पाकिस्तानी भी कभी जाते हैं, उसे रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि भी कुछ प्रोग्राम्स हो जाते हैं। तो हमने पूछा भाई ये इतने वेल स्पोकन इतनी अच्छी अरबी, लेकिन लहजा फर्क है इराक की अरबी नहीं, और बड़ा अच्छा पावरफुल स्पीकर है, हिस्ट्री बड़ी अच्छी पढ़ाई, मैथ के फसाइल बड़े अच्छे, बहुत उमदा, ये कहाँ से कहा, ये अभी मिस्र है इजिप्ट से, तो जाहिर है जहन में ये सवाल उठा कि ये मिस्र से आए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये मिस्र में तो कोई शिया नहीं, क्योंकि फैमिली वहाँ पे माइग्रेट करके किसी और मुल्क से गई होगी। जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, हम आबादन अजदादन नस्लन बादा नस्लन, हम कायरों के रहने वाले, मिस्र के रहने वाले, कायरा के। तो फिर आप यहाँ तकरीब के तो आप शिया का खानदान का, कोई भी शिया नहीं, कोई शिया नहीं, दोनों साइड्स पे मुंबा थी, आप कैसे कहा मैं कन्वर्टेड हूँ, कैसे कन्वर्टेड हूँ कहा, मैं बड़ा नोटेबल और बड़ा सक्सेसफुल वहाँ पे जज था, लॉयर था मिस्र, और मेरे पास और सुन्नी था और बड़ा पढ़ा लिखा, उनकी तो जबान अरबी जबान है, तो मेरी बड़ी स्टडी थी। और एक दिन मेरे ऑफिस में एक मसीही क्रिश्चियन कपल आया, मुझे बता दीजिएगा नमाज का टाइम कब होगा, तो क्रिश्चियन कपल मेरे पास आया और वो दोनों आपस में लड़ रहे थे, तो शौहर बीवी दोनों आपस में लड़ रहे थे, तो मैंने उसको शौहर को मना किया कि बीवी से बदतमीजी ना करे, तो वो उससे मेरी इंसल्ट कर दी, मेरी बहुत ज्यादा तौहीन की, उसने कहा तुम मुसलमान मुझसे कहते हो औरत की इज्जत करो जबकि तुम्हारी यहाँ औरत की इतनी जिल्लत है, तो कहता उसने मेरी वो बेइज्जती की कि मेरा खून खोल गया। तो खैर मैंने बड़ा खुद को कंट्रोल किया, तो उसने कहा तुम ये कहते हो हमारी यहाँ तो औरत की इतनी इज्जत है कि दोनों एक दूसरे को तलाक दे सकते हैं, और तुम्हारी यहाँ क्या है, ड्रामे में तलाक दे दो तो तलाक हो जाती है, सोते हुए तलाक दे दो तलाक हो जाती है, गुस्से में दे दो गुस्से में हो जाती है, हवास में ना हो सेंसेस में हो ना हो अनकॉन्शियस हो तलाक हो जाती है। कहता खैर वो जिस वक्त ऑफिस से गए तो मैंने बैठ के गौर किया तो मैंने कहा है तो ऐसा ही बात तो सच कर रहा है। मैंने लाइब्रेरी से उछाना किताबें देखी, हमारी किताबें तो ये कहती कि बस मर्द के मुंह से तलाक का लफ्ज गलती से निकल जाए, अखबार भी पढ़ रहा हो वहां तलाक लिखा हुआ हो तो औरत को तलाक हो जाए, आप भी किसी से बात कर रहा हो तलाक पर तो तलाक हो जाती, ड्रामे की शूटिंग हो रही हो तलाक हो जाती, बात तो सही है। कहता मैंने वो पहले मुताला था, पढ़ा लिखा था, पढ़ा लिखा था अरबी जबान अपनी जबान की, आखिर कहता है जब कुछ ना मन पड़ा तो मैंने शिया किताबों को देखना शुरू किया, तो शिया उलमा की एकेडमिक प्रोग्रेस को तो पूरी दुनिया इंसानियत के साथ साथ मिस्र जो सरजमीन है इल्म व अदब और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जन्नतुल अज़हर उसके चांसलर ने शिया उलमा की एकेडमिक प्रोग्रेस को एक्नॉलेज किया है हर दौर में, और ये इफ्तिखार है मजहब तशय्यो को कि अरब जबान वो है बार 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 हमारी तफसीरें वहां पे भी पब्लिश होती हैं, तफसीर मदीना और बाया नवी सदी हिजरी की लिखी जाने वाली तफसीरें, जबकि हमारे यहाँ हर साल नई तफसीर सामने आती है, उनको 60-60 मरतबा पब्लिश किया जाता है, और मिस्र के चांसलर अपने उलमा को बुला के कहते हैं देखो नॉलेज ये है शैयों के उलमा हैं जो मक्खन निकाल के लाते हैं, जो मांस निकाल के लाते हैं, ब्रेन निकाल के लाते हैं। बारान को कहता है जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला जो कुरान ने कहा वही मजहब तशय्यों के उलमा ने कहा, और अब वक्त नहीं है हम बयान करेंगे क्या इज्जत अता की है मजहब तशय्यों ने मसला तलाक में भी औरत को, तो वो कहता बस ये टर्निंग पॉइंट था मेरी जिंदगी का कि मैंने अपनी प्रैक्टिस को छोड़ा, मैंने अपने जो फिजिकलिटी
फैसिलिटीज थी, जो मुझे मैं वहां पे जो जो कुछ दिया गया सबको छोड़ा और मैं आके मजहब तशय्यो में शामिल हुआ और मैंने आके स्टडी किया। और फिर पहले तो मसला तलाक ही ने मुझे हैरत सदा किया था, लेकिन फिर हैरतों के जहां मुझ पर खुलते चले गए जैसे जैसे मैं मजहब तशय्यो के कलए में दाखिल होता चला गया। और कुदरत इलाहिया के ऐसे ताहियो खैस मुजजात इल्मी मैंने इस मजहब में देखे। अल्लामा हिंदी अलैहि रहमतुल्लाह ऐसी शख्सियात के फन पारे मेरी निगाहों से गुजरे, अनफैन क्या किताबें लिखती मजहब तशय्यो के इन उलमा ने, इनके इन मुदानिश को मैंने देखा। मैंने कहा इनमें क्या बात है जो यूनिक है, हम अरब जबान है, मैं भी इन्हीं जैसा इंसान हूँ, मुझ में भी सलाहियतें बेशुमार है, मैं भी अल-अन्नास का मादन साहब अल-फिस्सा सोने और चांदी की कानों की माने मैं भी वो शख्स हूँ। वजह क्या है कि शिया और अमर जहां जाते हैं छा जाते हैं, और वजह क्या है कि हम अफराद हमेशा उनसे मात खाते शिकस्त खाते हैं और शर्मसार होते हैं, वजह क्या है? तो फिर मुझे पता चला वजह ये है कि इनका ताल्लुक ताब मदीना तो नईम से है। दो मजा इसमें बयान करना, ये इल्म कहां से आता है? वो जिसने रेत सारे अरब से उठकर शहर इल्म होने का दावा किया था, रेत सारे अरब से उठकर सहराए को तक से रेत सारे अरब से उठकर तुलुए सुबह कयामत तक कारवाने नौ इंसानी के मुअल्लिम होने का दावा करने वाले लकब की शान मुअल्लिमियत के मोजज़े का नाम अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है, महदी आखिर उस्समा है, वो बारह आईने हैं उलूमे इलाही के, वो चौदह मासूम है जिनके लिए मुनाजात खम्स अशर में आका ने खुद बारगाह इलाही ने अपनी सप्लिकेशन में अपनी मुनाजात के एक फराज में खुदा की बारगाह में शुक्र अदा किया है। परवरदिगार कितनी काबिल रश्क है वो कौम जिनके बारह बारह पेशवा, बारह बारह इमाम और चौदह चौदह हादी हो, जो उलूमे इलाही के सुलाल चश्मे हैं, जो खजाने और कंचीने हैं इल्मे इलाही के। और क्या क्या है हम अपनी मजालिस में बयान करेंगे कि इस मजहब को ये एजाज और इफ्तिखार है कि नहीं दिया जुबकनी रसूलुल्लाह जुबकन जुबका वकद अलिमतुम मौज़ईन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तुम जानते हो कि इस मजहब ने इल्म कहां से दिया? वलकद अरदल्लाहु बिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि उम्मतम मन कानु फतीमन अअज़म मलक मिन मलाइकतिही यसुकु बिहि तरीक अल मकारिब व महासिन अल अखलाक अल आलम बैनहु व नार वलकद कुंतु अत्तबिउहु فصيل أسرعوني يرفعوني في كل يوم من أخلاقه علما ويعمرني بالاقتداء به ولقد كان يجامر في كل سند بحرا فأراه ولا يراه غيري ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخليفة وأنا ثالثه ما أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة ولقد كنت سمعت الشيطان حين نزل الوحي عليه فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال يا علي هذه رنة الشيطان يا علي إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى وتقضي ما أقضي إنك مني मोहम्मद।
की जबान से, कायनात की तन्हा शहजादी फातिमा की जबान से, फातिमा की निगाह में आई किस मकाम पर है, रसूल अरबी की निगाह में आई किस मकाम पर है, और लम्मा उसरे यकीन समाउत लैलत मेराज, और जब शबे मेराज में मेराज पे ले जाया गया, तो जब उस मकाम में मुअन्ना पर पहुंचा तो मुझे मकसद मेराज समझ में आया, तुम किसकी विलायत को तस्लीम करने के लिए मबऊस किए गए, किसकी मोहब्बत में खुदा ने तुम्हें मकाम हुक्म अता किया, हम बयान करेंगे अभी मजालिस में, तो मजालिस बाकी है इंशाल्लाह। अगर आप पाबंदी वक्त के साथ तशरीफ लाएं, मैं फोन पर मानिए मजलिस से पूछती हूँ मेरे लिए क्या हुक्म है, कब हाजिर हो जाऊँ, वो कहती हैं कि यहाँ की खवातीन कहती हैं खानों मेंबर पर आएंगी तो हम आएंगे। तो मुझसे 20 मिनट हैं, इतने सात तकाजे मसाइब के करती हैं, मिनट आपके पास 20 है, अगर आप जल्दी आगे बैठ जाएं तो मुझ पर भी प्रेशर आए, अगर मेजबान मुझसे ये कहें गलियां भर गई हैं तो फिर तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होटल में बैठे रहने का, तो मैं भी आ जाऊँ। आप इंतजार ना करें कि लाउड स्पीकर में मेरी आवाज सुनाई दे और फिर आके फरमाइश करने आइए अकबर के मसाइल पढ़ो, ऐसे ऐसे कैसे पढ़ सकती स्टूडेंट हूँ, मुझे कमरा दो, का कमरा है नहीं,
मैं नहीं दे सकते का, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, तुम कमरा होते थे मुझे क्यों नहीं देते, जब होटल में जगह नहीं है मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा देखो बरखोदार कमरा है लेकिन तुम किसी वजह से हमने नॉक किया हुआ हम नहीं दे सकते। रेजा सिराज ने कहा मुझे वजह बताना होगी, कहा हम नहीं बता सकते, कहा वजह बताओ, कहा बेटा तुम बहस ना करो तुम्हें इससे बरस ना रखो, बस हमने कह दिया वो कमरा नहीं रख सकता, कहा मुझे बताओ। कहा बात ये है कि इस कमरे में जो भी जाता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता। कहा वो क्यों? कहा कि जब जितने दिन भी वो कमरे में रहे जब शबे जुमा आती है तो वो कमरे में मुर्दा उसकी बॉडी हम निकालते और आखिर मजबूर हो गए हमने वो कमरा लॉक कर दिया है, समझ में नहीं आता उसके बनने की वजह क्या है। जैसे ही शबे जुमा आती है उसके बाद वो खुद नहीं निकलता, उसकी मैयत निकाली जाती है। जवान थे लहू गर्म था, जिद में आ गए, कहा मैं उसी कमरे में जाना चाहता हूँ। जवान हो क्यों अपनी जिंदगी के पीछे पड़े, कहा मुझे वहीं जाना। जिद की सैटरडे मॉर्निंग थी, हफ्ता की सुबह कमरे में गए, चाबी की छोटा सा कमरा है सामने दूसरी रोड हरम रोड के दूसरी जानेब है, सामने हरम है, जाके कमरे में गुस्ल किया, नमाज के लिए हरम है। इमाम हुसैन से कहा मौला मुझे मौत से कोई खौफ नहीं, मैं एक दीनी मजहबी इंसान हूँ लेकिन मुझे ये मुअम्मा हल करना है, आप वादा करें मैं मरूंगा नहीं इससे पहले कि मुझे मालूम हो इस कमरे में आने वाला मरता क्यों है शबे जुमा। आज सैटरडे मॉर्निंग है, मैं यहाँ रुकूंगा, शबे जुमा आएगी, मैं मरना नहीं अभी चाहता, मैं पहले मसले की को दरियाफ्त करना चाहता। सैटरडे मॉर्निंग से लेके शबे जुमा तक हरम में सुबह शाम रात मौला को अपना वादा याद दिलाते। जब शबे जुमा आई हरम में गए, वहां जाके नमाज पढ़ी, इबादत की, फिर थोड़े रेस्ट के लिए कमरे में आए, वो सुखिया हुआ है इत्र किया हुआ है, पाकीज़ा है, निरिया किए हुए हैं, दुआए कुमैत पढ़ी है, ज़ियारत आशूरा पढ़ी है, खूब गुस्सा दिया है, इमाम हुसैन से बार बार वादे की तजदीद करते हुए रजा सिराज गुजरे में आए, निष्पेशक होने वाली थी, छोटा सा कमरा है, तो कहते हैं खुद को समझा रहे हैं रिजा सिराज तुम्हें मरना नहीं, हालात को फेस करना है, देखना है, ऐ मेरे कारवाने करबला, ऐ सालार सरदार शहीदा, ऐ गरीब जहरा, ऐ शहीद नैनवा, मेरा आपसे वादा है मैं मौत से डरता नहीं मगर मुझे पता है मसला क्या है, आज मुझे मसले का हल चाहिए। इतने में रिजा सिराज कहते हैं जगा निष्पेशक हुई और कहते हैं कि कमरे के सेंटर मेरे करीब ही में एक ऐसी आवाज हुई कि मेरा दिल बैठ गया, मैं नरसता नरसता जमीन पे बैठा अपने दिल को सहलाने लगा। मैंने कहा रिजा सिराज हौसला करो हौसला करो, इमाम को पुकारा, कहते हैं आवाज एक खातून की थी, आवाज मरसिए की आवाज,
मशवरा किया।
नेजा सीधा।
जब हुसैन चले बात ये नहीं थी, सदमा कितना भी बड़ा था बेटे के सदमे की वजह नहीं थी, कहते वजह ये थी मैदान में इतना घोड़ा था, शादियाने बज रहे थे, खेल मिल रहे थे, खता के नकारे गूंज रहे थे, कोई रास्ता न था, तब तो उमार उठ रहा था, आखिर हुसैन ने दौड़ते हुए घोड़ों के सुओं के दरमियान में घुटनों और कोहनियों के बल रेत में चलना शुरू किया, खिसकते खिसकते दुश्मन की उर्दू का के करीब आए, जब आए तो हुसैन ने जो मंजर देखा वो खुदा कभी माँ बाप को ना दिखाए, करियन जमान एरिया रगड़ रहा था, अली अकबर तड़प रहे थे, अल-नादीन साहिब अल-दीन ने एक जुमला कहा, कहा हुसैन की शहादत का वक्त और है और हुसैन के जान निकलने का वक्त और है, कहा किस तरह, कहा शहादत का वक्त वो है जब वश्म रजाद सुनाना सदर, जब शिमर का खंजर अली अकबर का सर अपने सानों पे रखा।